स्वागत है आब्दुल रबील YTC चैनल में। क्या आपको पता है आईफोन कम मेगापिक्सल होने के बाद भी ज़्यादा मेगापिक्सल वाले फ़ोन से इतना अच्छा फ़ोटो कैसे खींचता है? आज इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि ज़्यादा मेगापिक्सल मतलब अच्छी फ़ोटो, तो आप कम्प्लीटली गलत हो, क्योंकि आजकल के बड़े कंपनी इस मेगापिक्सल को अपना सेलिंग पॉइंट बना दिया है। इसकी वजह से सस्ती से सस्ती फ़ोन में 48 मेगापिक्सल का कैमरा दे देती है, पर फिर भी आईफोन के सिर्फ 12 मेगापिक्सल कैमरे से बेकार फ़ोटो खींचता है। फोटोज़ के लिए लेंस, कैमरा, प्रोसेसर, रेजोल्यूशन, कलर, डायनामिक रेंज और भी कई चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। अगर किसी फ़ोन में ये सारी चीज़ अच्छी है तो भले ही वो 12 मेगापिक्सल का कैमरा क्यों ना हो, फोटो बहुत ही बढ़िया आएगी। और हमेशा देखा गया है कि एप्पल, सैमसंग जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन होते हैं, जो बहुत तगड़ी फ़ोटो खींचती है कम मेगापिक्सल होने के बाद भी, और उनका जो सॉफ्टवेयर होता है वो एकदम अप टू द नोज होता है, उसकी वजह से फ़ोटो एकदम अच्छी प्रोसेस होती है। इन सब के कारण आईफोन में कम मेगापिक्सल होने के बाद भी दूसरे कंपनी के ज़्यादा मेगापिक्सल वाले फ़ोन से ज़्यादा अच्छी और तगड़ी फ़ोटो खींचता है।